राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने संबोधन के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार को 70 सालों में सबसे कमजोर सरकार बताते हुए कहा कि सरकार विपक्ष के नेताओं को फोन टैप करवा रही है। सरकार ने पूरे विपक्ष को आतंकवादी बना दिया है। आजाद ने शाह की ओर से उठाए गए मुद्दों पर भी जवाब देते हुए सरकार के न्यू इंडिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, हम नया भारत नहीं पुराना भारत ही देखना चाहते हैं, जहां सभी धर्मों में सद्भाव और एकता के साथ हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के लिए खून देने के लिए तैयार रहते हैं। यही पुराना भारत है जिसको आपने अपनी सरकार बनाने के लिए ध्रुवीकरण कर इसको खत्म कर दिया। हम ऐसा भारत चाहते हैं जो भयमुक्त हो, गुलाम नबी आजाद ने कहा। वे महात्मा गांधी के पुराने भारत को देखने की ख्वाहिश भी रखते हैं, जहां हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के लिए खून देने को तैयार रहते थे। विपक्ष ने सरकार पर सबका साथ सबका विकास के वादों को भी पूरा करने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया है। गुलाम नबी आजाद ने तंज कसते हुए कहा है कि यह सरकार गेम चेंजर नहीं नेम चेंजर है, जो सिर्फ यूपीए सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर वाहवाही लूट रही है। हमारे पास स्कीमों की लंबी फहरिस्त है जिसका सिर्फ नाम बदला गया है।